इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इस कहानी के सारे अंश सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। एक एक करके पूछिए। देखिए, कोर्ट का फैसला तो कोर्ट ही करेगा। और रही बात शिंदर की, बदनामी तो बहुत हुई है, इसीलिए मैंने सोचा कोर्ट तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
आज से एक महीना पहले। बिस्तर फिर गीला हो गया आज। शिंदर, एक मिनट। शिंदर, शिंदर। आया बाबा। नमस्ते जनाब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा क्या हो गया जी? तू मैनेजर साहब की बहन के साथ घूमता फिर रहा है? जी हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। शादी करने की हैसियत है क्या तेरी? खुद के खाने का ठिकाना तो है नहीं। कभी सुना है एक बैंक मैनेजर की बहन की शादी किसी ड्राइवर के साथ हुई हो? ओ ये ठहरे खानदानी करोड़पति, और तेरा कुछ अता पता नहीं है। गली गली आवारागर्दी करता रहता है, ना तेरे माँ बाप का अता पता और ना तेरे को कोई रोने वाला। इनके सामने तेरी हैसियत क्या है देखिए तूने? देखिए ना ही मैंने आपसे उसकी खानदान की दास्तां पूछी और ना ही कहा कि उसे मेरी शादी करवा दो। क्यों नहीं करा सकता भाई? है क्यों नहीं करा सकता? तू खुद तो एक बेपंदे का लोटा है, छत तेरी बरसात में टपकती रहती है। तेरे इस महल में आखिर कौन सी लड़की आके रह पाएगी? फौजी काका से घर की बात हुई है, 1 लाख रुपया बयाना मांगा है और बाकी पैसा घर लेने के बाद मैं चुका दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो फौजी काका से बात कर लो। लो उसके बाद मैं वहीं रहूंगा। अगर तू घर लेने लायक होता तो इस तरह मोबाइल में टेप लगाकर नहीं घूमता फिरता। ठीक है सरपंच साहब, इसे हम एक मौका दे देते हैं। अगर ये घर ले सकता है तो ले ले, मैं भी अपनी बहन लाली की शादी इससे करवा दूंगा। लेकिन इस काम के लिए मैं तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तू मकान नहीं ले पाया ना, तो मेरी बहन से बात करने की जरूरत भी मत करना। अगर तू जट का खून है ना, तो अपने वादे पे कायम रहना। 1 महीने में मैनेजर साहब घर तो लेके ही दिखाऊंगा। चलिए सरपंच साहब। सुन शिंदर, अपनी हरकतों से बाज आ जाए यार। ऊंचे लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है ना, उसको बनी रहने दे, समझा? सरपंच जी दरवाजा बंद कर दो और बाहर जो मेरा टॉवल टंगा है उसे अंदर रख देना। गए? वो लोग तो चले गए। आजा अंदर आजा। मैं इस तरह नहीं आऊंगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने के दरवाजे से लेकर आ। तेरा मेरा साथ हो और प्यार भरी रात हो, कभी भूले ना दोनों को भी। ये जट हिम्मत नहीं हारेगा, वहां से उठा के ले आऊंगा तुझे। बस तू ही मेरा जीवन, जीना नहीं जीना तेरे बिन। हाय दिल में अपने बसाया है तुझको, पल को खिंचाव में छुपाया है तुझको, रब ने तुझे मेरा बनाया। हाय दिल में अपने बसाया है तुझको, पल को खिंचाव में छुपाया है तुझको, रब ने तुझे मेरा बनाया। हो अरे रूठी क्यों है, जरा साथ तो चल लेना। क्या है? अरे नया सूट सिलाया है तेरे लिए इस जट ने, जरा देख तो। यूं ही आंखें चुरा के चली जा रही है। तुझे पता है जब तू सूट पहनता है तो बिल्कुल जांबाज लगता है, पर जब तू सच्ची मुच्ची मिलता है तो ऐसी भी कोई खास बात नहीं दिखती तुझमें। तुझे पता है तू भी जब मुझसे मिलती है ना तो मुझे भी कोई खास नहीं लगती है। लेकिन जब मिलकर लौट जाती है ना, हाय तब तो मेरी जान निकल जाती है। तेरा मेरा साथ हो और प्यार भरी रात हो, कभी भूले ना दोनों को भी, एक ऐसी मुलाकात हो। मैं दिल तू मेरी धड़कन, बस तू ही मेरा जीवन, जीना नहीं जीना तेरे बिन। हाय
बसाया है तुझको, पलकों की छांव में छुपाया है तुझको, रब ने तुझे मेरा बनाया, हाय दिल में अपने बसाया है तुझको, पलकों की छांव में छुपाया है तुझको, रब ने तुझे मेरा बनाया। पिछवाड़े इंतजार कर रहा हूँ, आजा। एक पल देखूँ ना मैं जो तुझको, कहीं चैन नहीं पाऊँ, प्यार तेरा दिल मेरा मांगे सदा, दिल के जहाँ पे राज है तेरा, तुझे कैसे बतलाऊँ, हाँ जानता है ये मेरा खुदा, मैं देखूँ तेरी राहें मेरी तेरे संग वफाएं, जीना नहीं जीना तेरे बिन, हाय तुझे देख बिना मुझे आए नहीं निंदिया, तेरे माथे पे सजाऊं प्यार वाली बिंदिया, इश्क का रंग तूने चढ़ाया, हाय तुझे देख बिना मुझे आए नहीं निंदिया, तेरे माथे पे सजाऊं प्यार वाली बिंदिया, इश्क का रंग तूने चढ़ाया, हाय रब से दिन रात मांगू मैं दुआएं, तेरी मेरी तकदीर एक बन जाए, बड़ी मिन्नतों से तुझे पाया, हो रब से दिन रात मांगू मैं दुआएं, तेरी मेरी तकदीर एक बन जाए, बड़ी मिन्नतों से तुझे पाया, हो। हाँ, तेरे कहने के मुताबिक वहां पर होगा हमारा रसोई घर और उस तरफ होगा ड्राइंग रूम। नहीं, ड्राइंग रूम उधर होगा। तो फिर इधर क्या होगा? उधर हम बैडमिंटन का नेट लगाएंगे। अच्छा, तो हर रोज दोपहर में स्कूल से आने के बाद चिड़िया का शिकार, ट्याऊ ट्याऊ। शाम को देन व्हाट वी डू इन द आफ्टरनून? स्लीपिंग? नो, वर्किंग। वर्किंग? ओके, यू वर्क, आई स्लीप। देखते हैं अब तुम ये सब कैसे प्लान करते हो। क्या? सुनो मैम साहब, ये सब काम मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। 1,00,000 रुपए मिलते मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, बस एक बार किस्मत मेरा साथ दे दे। पर तू 1 महीने में ये मकान खरीदेगा कैसे? मेरे दादाजी का खानदानी प्लॉट है खन्ना जीटी रोड के पास, उसके लिए ग्राहक लग गया है। मेरे हिसाब से उसके 10,00,000 तो आ ही जाएंगे, 6,00,000 रुपए इसके मालिक को चुका देंगे तो फिर ये घर अपना। शान से शादी ब्याह करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। अरे क्या कर रही है? मैं इसे बचाते जा रहा हूँ और तू उधेड़ती जा रही है। क्यों नहीं उधेड़ू? ये कौन सा स्टाइल है? एक बार है एक बार नहीं, जो कर लगता है तू। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा ये जट का स्टाइल है। बात गृहस्थी की चल रही थी, तूने बात ही बदल दी। वैसे ये हमारे लिए घर नहीं ताजमहल होगा हमारे सपनों का। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, कितना हसीन सपना देखा है एक महल का। ऊंचे ख्यालात का नया थानेदार। सर, लेडीज कॉलेज के आगे ये लोग आवारा गर्दी कर रहे थे, मैंने अरेस्ट कर लिया। खड़े हो जा। ये बताओ, लड़कियों के कॉलेज के आगे तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे मैं तो वहाँ पे दुकान लगाता हूँ साहब। और तुम? मैं तो चाट पकौड़ी खाने गया था जी। एमएलए रतन सिंह चाचा है मेरे। अच्छा 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 अच्छा, जरा चश्मे निकालिए। तेरे एमएलए चाचा ने कहा था कि जाके लड़कियां छेड़। बंद कर दो सबको, चल अंदर चल। इस चौकी का मुंशी कौन है? मुंशी सुच्चा सिंह। तो ठीक है फिर लाला जी, आप अपना जोर लगाओ, पुलिस अपना जोर लगाएगी, दोनों पार्टियां मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चोर को हम दोनों मिलकर पकड़ेंगे। लेकिन कूलर तो मिल जाएगा ना? और कूलर ठंडी में लाके निमोनिया करवाना है, हम लोग गर्मी में लाएंगे कूलर। मुंशी। जय हिंद जनाब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुम इस चौकी के मुंशी हो? जी जनाब।
क्या कर रहे थे? जनाब रिपोर्ट लिख रहे थे जी। लाला जी के घर से कूलर चोरी हो गया है जी। ला पढ़ा भाई। दिखाओ। पढ़ो जी। लाला जी के घर पर उनकी पत्नी थककर चूर चूर होकर सो रही थी। ये तो रिपोर्ट लिख रहा है कि मनोहर कहानियां छाप रहा है? जनाब जज्बाती बंदा हूँ जी, रिपोर्ट में थोड़ा फील आ जाता जी। चुप कर। तुम्हारा नाम क्या है? सुच्चा सिंह है जी। ये देखो जिस तरह से तू रिपोर्ट लिखता है ना, तेरा नाम लुच्चा होना चाहिए था, लुच्चा। थैंक यू जनाब। चल गाड़ी निकाल, हमें पेट्रोलिंग पर जाना है। चल। जी जनाब। जी जनाब। क्या बात है, तुम्हें भी मेरी याद सता रही है क्या? इसे किसका फोन आ गया यार, जिसे ये हवा में उड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं पी रहा हूँ, मेरे साथ दो चार बंदे बैठे ना, वो पी रहे हैं। वो तो बात करते करते थक गया, तो आगे की बात मैं कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई तुमसे क्यों बात करेगा। शुभ रात्रि। सलाम। हाँ चलो ओके। अभी ओके किधर, और पीना है? कह दिया ना ओके। ओके। मालिक का था क्या? नहीं, वो तो उसका था यूं ही। मालिक को ऐसी कौन सी गरज पड़ी है जो इसके साथ बात करेगा? वो नहीं करेगा। नहीं नहीं, क्यों रांझे, तुझे भी ये तेरे जैसा आशिक नहीं लग रहा है उसकी बातों से? लग तो रहा है। तू अपनी कहानी बता ना। अरे छोड़ ना यार, क्या फायदा पुरानी बातों को छेड़ने से। तुम्हारा भी कोई किस्सा था क्या चाचा, बताओ। जलवा था, कमाने वाली मैडम थी पहली मुलाकात। वो शानदार कोठी नहीं है मेन रोड के पास सड़क के किनारे? नई दुल्हन के साथ सुहागरात कैसे मनाई वो भी सुना। अरे कुछ पहले मेरी बात सुन। मैटर शुरू हुआ जो मेरा सारा है ना एक नंबर का खूसट है। बाप रे। लेकिन मैडम मैडम तो एकदम ताजमहल की तरह गोरी चमचम करती हुई। मजा आया होगा यार। उसकी जवानी भी उछल उछल कर बोल रही थी। मैं भी क्या करता, फिदा हो गया उस पर और उसके पीछे हो लिया। और अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें भी लाइन मिलती थी या नहीं? अरे छोड़ तुम सबको ये मजाक लग रहा। चुप रहो यार, चाचा भी किसी जादूगर से कम है क्या? आंखों से ही मर्डर कर दिया होगा बेचारी का। गाल पे छाप पड़ी होगी चमाट की। क्या कर रहे हो यार, चप्पल का अंगूठा ही तोड़ दिया। अरे तुम मिस्त्री गिरी करते रहते हो, इसे भी टांका लगा के जोड़ लेना। देखो ये बात अच्छी नहीं है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। चाचा आगे क्या हुआ बताओ ना। क्या बताए, किराने की दुकान में कर्जा करते करते कर्जे में डूब गए, बिल नहीं भरे तो करंट कट गई। फिर क्या था, सोने की मुर्गी घर पे आ गई। अच्छा। फिर शादी भी हो गई और दोनों मजे से। हाँ फिर। अरे फिर क्या था, एक कमाई का जरिया था वो भी पंचर हो गया। क्या ये लो, जल्दी खत्म करके निकलते हैं। इन बुड्ढों की यही तो प्रॉब्लम है यार, दो पैग अंदर जाते ही सन 47 की कहानी सुनाते सुनाते खुद ही लेट जाएंगे। छोड़ यार, तू अपने को ही देख ले, तेरे अंदर कोई आम नहीं है, फिर भी तू बदनाम है सब में। वो प्राइमरी स्कूल, ये पंचायत घर, वो भी सरकारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके परम पूज्य पिता रामचंद्र जी ने, मिस्त्री जी महाराज ने वो बनाई है, ये हम सब जानते हैं। और ये बैंक की बिल्डिंग भी तेरे बाप की बनाई हुई है। अब सुन लेना पूरी स्टोरी बैंक की। अब बैंक का किस्सा सुनो। हाँ जी हाँ जी, ये लड़ाई तब की है। हाँ जी, चीन के साथ वाली। हाँ, ये इमारत उस जमाने में लाला लोहरी राम जी ने ये उनकी हवेली बनवाई, और इसके ऊपर चिमनी। क्या बात है चाचा, अपनी जवानी में आप पहाड़ तोड़कर पानी निकाल देते। मैं कहाँ था, आप चिमनी में थे। चिमनी, वो चिमनी खुलती थी लाला लोहरी राम के बैठक के ऊपर, जहाँ उनकी बैठक थी आज वहाँ इस बैंक के खजाने का कमरा है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। अरे यार ये नहीं लग रहा है, तू देख ले। चाचा इसका एक इलाज और है मेरे पास। अरे तो बता ना मुझे। देख रहा हूँ। अरे ये क्या किया तूने, इधर फेंक दिया चाचा। अरे से 6 साल से यूज कर रहा था मैं। 6 साल और क्या चाचा, अब तुम अपनी चप्पल स्टील की बनवा लो। स्टील जब की? रबड़ की तुम इतने साल खींच सकते हो तो लोहे की तो फिर। ऐसी चप्पल कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहा है तू? फोटो खींच रहा हूँ फोटो। बैंगन की तरह घूम कर यहाँ आ जाओ। लो चढ़ गए इन्हें भी। रेडी स्माइल।
अरे फोटो आई कैसी है तो दिखा दे यार। अरे फोटो तो मोबाइल के अंदर है, ये कैमरा थोड़ी है जो दिखाऊं। चाचा बेवकूफ बना के निकल लिया यहाँ से, इस खटारा मोबाइल से बात तो होती नहीं, फोटो कैसे खींचेगा इससे ये। सिंदर सिंदर जब मेरे बापू ने सरकारी स्कूल बनाया था ना, तो उस वक्त उनके पास दिमाग का खजाना था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तू सच्चा पाशा है। ओ बिट्टू। हाँ भैया। मैडम जी नहीं आई क्या? मेरे भाई को लाली मैम ने ट्यूशन में रख लिया है। अरे मैडम मुझे क्यों नहीं ट्यूशन में रख लेती? कितना इंतजार करना पड़ेगा मैडम का। चल खड़ा हो, पीछे जाके बैठ, नहीं तो बहुत मारूंगा। मैडम की सिंहासन पर बैठ रहा है। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मनिंदर। सोने लग रहे हो, गुच्ची का है क्या? गुच्ची मेरा साला है क्या? अपना एक जिगरी दोस्त है, 200 रुपए देकर उससे स्पेशल प्राइज में लिया है। जल्दी मत करो बच्चों, आराम से उतरो, चलो इस तरफ चलो। चलो बच्चों, अब छुट्टी के बाद ही हमारी मुलाकात होगी। जल्दी जल्दी करो। हाँ जी हाँ जी, चलो जल्दी करो। ए जी। हाँ जी। आराम से उतरो, भागो। आजा आजा। मनी। हाँ। चल। आजा आजा आजा। आजा। आप टीचर हो जी? ट्यूशन भी पढ़ाती है? ओ अच्छा, उस साले लोग, एक दिन तुम लोग इसको बहन कहोगे। किसका इंतजार है, हमें साथ ले चलो। शट अप। गुस्सा क्यों करती हो, हमें भी आगे पढ़ा जाए करो मैडम। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ सुनाई दिया। आता हूँ। कमिंग मैडम जी, कमिंग। तो जाना। हाँ जाता हूँ बाबा, ये पाना पकड़। इन लोगों से सीधे मुँह बात नहीं होने वाली। कैसे हो लाली? यार ड्राइवर, क्या चाहिए तुझे? चाने से कुछ नहीं मिलता, बस छीन कर लेना पड़ता है। जेम्स बॉन्ड के। अरे बात टॉप तक पहुंच चुकी है, लगता है कुछ खाने का मूड है तेरा। देख वीरे। सालो तुम लोग जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? ऐसे सिचुएशन में तो भागकर बचना ही ठीक रहेगा। क्या बात है ड्राइवर, बड़ी अच्छी जगह चुनी है मार खाने के लिए। 15 दिसंबर 2007, हरजीत सिंह ने यह आरा मशीन लगाई है यहाँ लकड़ी चीरने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जाट यहाँ पर ला ला के तुम जैसे गुंडों को चीरेगा। से भी रुक जाती हैं, हद से ज्यादा आवारागिरी अच्छी नहीं होती है, और तू अब इसके लायक नहीं बचेगा।
हिम्मत मेरी जाने मन ने दी है और तेरे जट ने दिखा भी दिया कि उसमें कितनी हिम्मत है। तेरी तिरछी नजर हमेशा मेरे दिल को चीर जाती है। तू क्यों आई मुंडिया, तेरी हरकतों से हूँ मैं परेशान मुंडिया। मुझे छेड़ते मुंडे गली के तो तुझे क्यों बुरा लागे रे। मैं सोनी कुड़ी हूँ, सोनी कुड़ी के पीछे तो सारी दुनिया के मजनू भागे। सोनी कुड़ी के पीछे तो सारी दुनिया के मजनू भागे। सत श्री अकाल बुआ, सत श्री अकाल बड़ी माँ, सत श्री अकाल ताऊ। सत श्री अकाल शिंदर, कोई काम वाम कर रहा है या फिर यूं ही भटक रहा है? जी मैं स्कूल की बस चला रहा हूँ। ताऊ जी मैं ये कहने आया था कि अपना करनाल का प्लॉट बिक चुका है। बिक तो गया है जी, तो फिर मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे अपना घर खरीदना है। तेरा काय का हिस्सा भाई? तेरा हिस्सा तो तेरा बापू पहले लेके उसे शराब में कब का उजाड़ चुका है। स्टैंप पेपर दिखाओ इसको। सुन, तुझे शर्म नहीं आई बोलने में? मेरा हिस्सा? अरे तेरे घर में हमारा हिस्सा निकलता है, हिस्सा चाहिए। और सुन ले, दोबारा मेरे सामने ये बात मत करना। आ गया सुबह सुबह मुंह उठा के, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। चल जा अपना काम कर जा। अरे सुन एक मिनट, अपने लोगों से सोच समझ के बात करनी चाहिए। हा? अगर तेरा कोई हिस्सा निकलता तो मैं दे देता ना। एक मिनट, ये रख ले, बियर शियर पी लेना। छोटू इधर आ। ये ले, इसकी मिठाई खरीद के खा लेना, अपने दादाजी को भी खिलाना। ठीक है, ओके। हाँ। आ,
लोगों को सही राह दिखाकर जिस तरह आप मूछों को ताव देते हो, उसी तरह सही राह पर आप भी चला करो। शिंदर, ओ शिंदर, ओ मेरे शेर, तू जरा मेरे साथ बैंक देख चलेगा है? मुझे अपना खाता खुलवाना है वहां। देख तू तो जानता है कि मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर हूं, पर तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चलेगा ना? आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? ये हुई नंबर दो वाली बात, चल आजा बैठ। चलिए आजा आजा चल। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल बहन जी, आपके बैंक में खाता खुलवाना है। ये लो फॉर्म नंबर 19, 5 रुपए भर कर सामने वाले काउंटर में इसे जमा कर दो। 500? जी हाँ, मैं तो खुद ही कर्जा लेने आया था बैंक में, और आप तो मुझसे ही कर्जा मांग रही हैं। अकाउंट खोलने की फीस लगती है जी, लोन से काट लीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपको समझाता हूँ जी, आप मुझे जो कर्जा दोगे ना, उसमें से 500 रुपए काट लेना। हाय मेरे रब्बा, ऐसे और 4 आ गए तो ये बैंक ही बंद करनी पड़ेगी। ओए मैडम जी, फाइल रेडी हो गई क्या? बस बस 2 मिनट, हो गई हो गई। उधर क्या देख रहा है तू? यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया है? वो आपको 500 रुपए जमा करने होंगे, रूल है। दे दो। तुम्हारे किसी पहचान वाले का खाता है या? अजी क्या बोल रही हैं आप? मैडम जी, इसको लाया हूँ साइन करने के लिए। हाँ जी। ये लड़का, अरे इसका खुद का ही खाता फ्रीज हो गया है। 500 रुपया देकर इसने खाता तो खुलवाया पर कभी बुड़कर नहीं आया। ना पुष्पा जी ना, इनका खाता बंद नहीं करना। क्या पता नवाब साहब को लोन सुन लेके बंगला वंगला बनवाना हो तो। चलो चाचा, भाड़ में गया अकाउंट। सत श्री अकाल जी। अब वो कहाँ भटकने गई है? वो तो पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गई होगी। बस इसी तरह चक्कर खाते रहो, पूरी जिंदगी लट्टू बनकर रह गई मेरी। ओए मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, जल्दी मेरा लट्टू मुझे वापस दे। ओए तमीज नहीं है क्या? ये क्या बकवास कर रहा तू? रोकती नहीं है तो इसे, सारा दिन गालियां बकता रहता है। मैं क्यों रोकू जी, इस घर में मेरी कोई सुनता है क्या? जब भी मैं इसे कुछ बोलती हूँ तो कहता है कि जोगिंदर अंकल का बेटा गोल्डी आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करने जाता है। जा बाहर खेल। बात सुन परमिंदर, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। चल मैं जरा आटा लेकर आता हूँ, 2-4 रोटी सेक दे मेरे लिए। ठीक है जी। ओ बंटे, अरे पानी डाल यार, हाथ पे हाथ धोने। डैडी मुझे कल वजीरपुर ले जाएंगे। क्यों, वहाँ क्या मेरा दूसरा ब्याह होने वाला है? नहीं डैडी, कल वहाँ पीर का मेला है, ब्रेड पकोड़ा और जलेबी का लंगर लगेगा। ओ सुन, मैं यहाँ से 3 किलोमीटर साइकिल चला के तुझे वहाँ ब्रेड पकोड़ा खिलाने लेके जाऊंगा। तूने क्या कभी ब्रेड पकोड़ा नहीं खाया? पिछले साल गोल्डी के दादाजी के साथ गया था, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने में लेट हो गई थी, ब्रेड पकोड़ा खत्म हो गया था, सिर्फ एक जलेबी मिली थी। ए बंटी, क्यों मेरे दादा का नाम लेता है रे? गोल्डी, जब मेरी दादी मरेगी ना तो तू बैग भर के ब्रेड पकोड़ा और जलेबी लेके जाना। ए बिंद्रा, तू अपने बच्चे को खिला ब्रेड पकोड़ा, नहीं तो ये दोनों मुझे मार कर ही दम लेंगे, समझा? ऐसी बातें करता है बेटा? लड़का अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मौसी जी। मैं अपनी लाली के लिए लाखों में एक लड़का ढूंढ कर लाई हूँ। उनका खुद का कनाडा में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है,
और वो मेरी जेठानी के खास रिश्ते में भी तो आता है। लाली देख, मौसी जी मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी, कनाडा में शादी करने के लिए तो लड़कियां मरती है। मुझे पता है असल बात क्या है, मौसी जी को भी बता दूं? बता दो। दिमाग खराब हो गया इसका, बाहर शादी नहीं करूंगी, एक लोफर ड्राइवर के साथ शादी करने के लिए जिद पेड़ी है, उसके ना कोई आगे है ना पीछे, सिर पे छत तक नहीं है उसके, दिमाग खराब हो गया है, दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं। सुन ले, तू उस ड्राइवर से शादी नहीं कर पाएगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आपने भी तो उसे वादा किया है, अगर वो मकान खरीद लेगा तो आप शादी करवा देंगे। जिस पैसे के बलबूते पर उसने सीना ठोका था ना, वहाँ से भी उसके ताऊ ने उसे उल्टे पांव लौटा दिया है। मकान तो क्या, एक कुर्सी तक नहीं खरीद सकता है वो। मौसी जी आप लड़के वालों से कह दो हमें ये रिश्ता मंजूर है, बुलाओ नहीं यहाँ, देखता हूँ कैसे नहीं मानती। मैं तेरा दुख समझ रही हूँ लाली, पर शिंदर के पीछे पड़कर तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके लिए तो मैं अपनी जिंदगी हंस हंस कर बर्बाद कर सकती हूँ। मोहब्बत में यादें भुला नहीं सकते, मोहब्बत में मुश्किल बयान नहीं करते, मोहब्बत ने मजनू को बागी बनाया, मोहब्बत ने रांझे को जोगी बनाया, मोहब्बत में लुटते रहे हैं दीवाने, जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने। वाह, मैं मर जाऊं रब्बा, मुझसे तुम्हारा ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज मुझे पूरा यकीन हो गया तुम मेरे बिना जी नहीं सकती और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन अब बस हो गया बाबा जी, बहुत कुछ सह लिया, अब मुझे माफ कर दो, तुम इसका हाथ मेरे हाथ में दो या ना दो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। बैंक की किस्त रुक गई तो मिस्त्री के दुकान की कुर्की हो गई। आज इकलौता सपना भी टूट गया, अब ये बेचारा जिएगा कैसे? फैसले के आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान देते चाचा। क्यों मुझे हर कदम पे ठोकर मिलती है, जैसे तूने मुझे बचाया वैसे मेरी साइकिल भी बचा लेता।
क्या करूं मैं? चाचा जी जिंदगी बहुत लंबी है, जिन्होंने हमें जिंदगी में अब तक रुलाया, रोने की बारी अब उन लोगों की है चाचा। आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद हम नहीं रोएंगे चाचा, उन्हें रुलाएंगे। देखो चाचा, ये सोचो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हम फिर से जन्म लेकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। जितना दुख सहना था वो सब सह लिया। क्यों बिंद्रा? चाचा मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन दुखी नहीं है? मैं नहीं क्या? बिंद्रा नहीं है क्या? या जनरल चाचा नहीं? इस संसार में हर कोई दुखी है। एक पैक बनाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं पीना। ओ ना नुकर ना करो, गिलास आगे करो चाचा। बिंद्रा, अरे बस 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 यार, एक दो पैग ही मारेंगे यार, ज्यादा नहीं। चाचा हम इतने कमजोर भी नहीं है, अगर हम तीनों एक साथ मिल गए ना तो उनकी टांगे तोड़ कर रख सकते हैं। क्या करेगा तू? डाका। डाका क्यों फेंक रहा है? हम लोग डाका डालेंगे। हाँ हाँ, डाका। रहने दे यार, जो बची कुछ जिंदगी है चैन से गुजार लेने दे, वरना जेल के चक्कर काटेंगे। चाचा हमें छोटा मोटा हाथ नहीं मारना है। नहीं, अपनी अपनी किस्मत अच्छी नहीं है। बिंद्रा पहले पूरा प्लान तो सुन लो। डाका डालना शुरू भी किया तो सबसे पहले कौन से बंगले पर डालेगा यार? देखो मुझे चाहिए 5 लाख, फौजी के मकान की रजिस्ट्री करवानी है, एक तिजोरी लूटेंगे तो तीनों का मसला हल हो जाएगा। तू ये क्या बकवास किए जा रहा है? यहाँ से मिडिल क्लास लोग रहते हैं, पूरा मोहल्ला भी लूट लेगा ना, तो इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे जितने हम तीनों को चाहिए। एक जगह ऐसी है यहाँ जहाँ से मकसद पूरा होगा, हम बैंक की तिजोरी में डाका डालेंगे। कहीं तू वो अपने ग्रामीण बैंक की बात? हाँ, ग्रामीण बैंक। अरे तू कैसे ढीले ढक्कन बैंक की बात कर रहा है? ऐसा लगता है कि वो खुद कर्जा लेके चल रहा है, उस बैंक से मेरा अकेले का काम नहीं बनेगा, तो तुम दोनों के हाथ क्या आएगा टिंडे? यही तो गलत फहमी है बिंद्रा, मैं पूरा हिसाब किताब देख कर आया हूँ। अरे ग्रामीण बैंक के लॉकर और बक्से में मिलाकर पूरे 14 से 15 लाख रुपए पड़े हैं। लॉकर रूम के दरवाजे पर ये बड़ा ताला लगा है, अंदर जिस संदूक में पैसे पड़े हैं उसमें पिद्दी भर का ताला लगा है, उसे यूं चुटकी बजाकर तोड़ देंगे। देखो चाचा, लॉकर रूम तक पहुंचने का रास्ता दिया है तुम्हारे बापू ने, राम मिस्त्री की बनाई हुई चिमनी। हाँ चाचा हाँ, मैं उस चिमनी से सीधा नीचे जाऊंगा और सारे के सारे पैसे लेकर उसी रास्ते से बाहर। सोचो, सोच लो क्या करना है। तुम्हें खोलनी है डिस्पेंसरी, तुम्हें भी तुम्हारे कर्जे से मुक्त होकर जीना है, आगे आपकी मर्जी। शिंदा बना पैक डाल इसमें, आज बापू के नाम से पटियाला बना और डाल बस। चलो बात बन गई, इसी बात पे चीयर्स। Yes! पूरी जिंदगी तूने घुट घुट कर बिताई, हम अच्छे दिनों के लिए तरसते रहे, लेकिन अब तो उदास बिल्कुल मत हो, तेरा सपना पूरा होगा। हाँ
क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, तेल पानी बदल रहे हैं बस ऐसे ही। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे इस गाड़ी में आप रोज क्या लेके जाते हो? इस बैंक से रोज लुधियाने पैसे लेकर जाता हूँ। रोज? हाँ जी रोज, बिना नागा किए हुए? हाँ जी बिना नागा के। वैसे कितने बजे यहाँ से कैश जाती है? 4:15 बजे निकल जाते हैं। उससे पहले ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब वैसे आप तो दो ही लोग हो भाई, अगर रास्ते में किसी ने लूट लिया तो क्या करोगे? फिर उसकी तो इस गन से खबर लूंगा, एक फायर में 36 गोलियां निकलती हैं, खून के रख दूंगा। ओ जी, इसे आप अंदर रखिए भाई साहब, इसे देखकर ही मुझे डर लग रहा है। इतना खतरनाक हथियार आप लोगों के साथ होते हुए लूटने की हिम्मत कौन कर सकता है। चलिए आप लोग निकलिए, ठीक है? ओके ओके, चलिए भाई। वो तेरा मतलब है सारा माल वहां से निकलने से पहले हमें वो काम करना होगा? चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ पता लगा चुका हूँ। हरप्रीत सूरी 12 बजे से पहले सारा पैसा लॉकर में जमा करता है। पैसा ले जाने के लिए गाड़ी ठीक 4 बजे बैंक में आ जाती है। हमें जो कुछ भी करना है ना, वो 12 और 4 के बीच में ही करना होगा। वो भी दिन में? दिन में ही। चाचा मुझे तो सारा काम बहुत रिस्की लग रहा है। हाँ तेरी मर्जी तू जान, मैं तो तेरी चाची की फोटो से वादा करके आया हूं। खड़े हो जाओ, उठो उठो, अब आगे का सारा प्लान देखो और सुनो। ये देखिए चाचा। अरे ओ बिंदर, ये क्या है यार? ओ ये तो पूरे गांव का डिजाइन है। कितना अच्छा बनाया है, कमाल है। ओ चाचा तू तो सिर्फ नाम का ही मिस्त्री है, तेरे से बढ़िया काम तो इसने किया है यहाँ। मैं इसे कंपाउंडर रख लूं? अरे कंपाउंडर डॉक्टर का होता है चाचा, डाके का नहीं। तू बता यार क्या करना है। गौर से देखो, ये है बैंक, ये है ठेका, ये है चौकी और ये है लाली, मतलब स्कूल। मतलब ये है थाना, तो फिर मैं यहाँ पर मिलूंगा। क्यों? हैट्रिक मारने वाली का घर है, इस घर से होते हुए। चाचा अगर तुम्हारी यही हरकत रही ना तो मैं तुम्हें बोरी में बांध कर ले जाकर नहर में डुबा दूंगा। अब मेरी बात सुनो। अरे तुम क्यों इस पर टकटकी लगाए हो? अरे ना ना, मैं तो टकटकी लगा के हरजिंदर का घर देख रहा था यार, वो बड़ी खूबसूरत है। नहीं पहले मुझे एक बात साफ साफ बताओ, हम लोग डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं या किसी लड़की को भगाने की? नहीं नहीं, तैयारी तो डाके की ही कर रहे हैं। वो, वो, मुद्दे की बात करो यार, बताओ क्या करना है। अब गौर से सुनो, ठीक 1:30 बजे बैंक का लंच टाइम होता है। दोपहर को ना? लंच दोपहर के खाने को बोलते हैं। तब बैंक मैनेजर चला जाता है अपने घर खाना खाने। तब बिंद्रा तुम बैंक मैनेजर के जाते ही ये चमन हलवाई के सामने बैंक के पास इस जगह पर रंगारंग प्रोग्राम शुरू करवा दो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बात करोगे नए सिम कार्ड से ही करना। कौन, चौधरी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ सुन भाई, मैं चमनलाल हलवाई के घर से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। चमनलाल हलवाई के घर पे पोता हुआ है तो मुबारकबाद देनी है कि नहीं? चमनलाल के घर बच्चा हो गया और मुझे बताया नहीं, मैं तो कल ही मिलने गया था। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा, तू दाई थोड़ी है। तुझे क्या मतलब कि चमनलाल के बच्चा क्यों और कब हुआ? कल 1:30 बजे चमनलाल हलवाई की दुकान के सामने रंगारंग प्रोग्राम कर रहा है तुम लोगों को। ठीक है। हाँ तो पैसों की परवाह मत कर रहा, कल बहुत पैसे आने वाले हैं। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब कल तुम्हें मेहनताना मिल जाएगा और उम्मीद से ज्यादा ही पैसा मिलेगा। अरे आप फिक्र ना करो, हम 1 बजे पहुँच जाएंगे। ना ना 1 बजे मत आना, 1 बजे तो हम लोग ही वहाँ नहीं मिलेंगे, हम लोग भी बच्चे को देखने जाएंगे ना। तो ठीक 1:30 बजे अपना प्रोग्राम शुरू करना। ठीक है, पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे, रोड पे धमाल करेंगे। ओ जितेंद्र, ओ भोलू, ओ छोटू, कल चमनलाल की दुकान के पास धमाल करनी है।
हमारे बीच में एक ही सबसे बड़ी रुकावट है, वो ये कि इस थाने का जो थानेदार है वो बार बार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ तक आता रहता है। थाने से बैंक तक आने का सिर्फ यही एक रास्ता है, इसे हमें हर हाल में बंद करना होगा। वो इसलिए कि पुलिस की गाड़ी बैंक तक पहुँच ना पाए। वो तो हम सबकी मेन रोड है, उसे हम कैसे बंद कर सकते हैं? चाचा आप अपना पुराना रोड रोलर तो निकालो। अरे वो तो ठेके पे पड़ा पड़ा जंग खा रहा है। अरे अंग्रेज हिंदुस्तान से जाते आते दो ही तो चीज छोड़ गए थे, एक तो अंग्रेजी और दूसरा ये रोड रोलर। अंग्रेजी तो फास्ट फास्ट चलती जा रही है और ये हिलता ही नहीं है। सब मैकेनिक आ गए दिमाग खराब करके चल गए, पर ये ठीक नहीं हो रहा। बिंद्रा तेरा दिमाग कब काम आएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर बिंद्रा का दिमाग सही चल गया ना तो ये रोड रोलर यहाँ खड़ा मिलेगा। तो फिर सोचना क्या बिंद्रा, उस रोड रोलर को यहाँ लाकर खड़ा कर दे। किस्मत बढ़िया रही तो रोड रोलर को यहाँ तक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लो चाचा काम तो बन गया, अब बारी आ गई आपकी। ठीक 2:15 बजे आप जाकर उस रोड रोलर का लीवर खींचना, वो यहाँ से सीधा यहाँ आकर इस बीट को उड़ा देगा। ओह ये बीट टूटी तो रास्ता हो गया बंद, अब निकाल लो जीप यहाँ से। कैसे निकाल सकते हो? पुलिस तो हो गई पैदल। लीवर को तो हर हाल में मैं खींच दूंगा ठीक 2:15 बजे। इस नाक से भी कुछ फायदा लेने का इस जट ने सोचा है। तुम लोग बिल्कुल 2:30 बजे मेरी स्कूटर लेकर इस जगह पर आ जाओ, मैं पैसे लेकर रेडी रहूंगा। बस काम वक्त पर हो गया तो हो गया, नहीं तो समझो रह गया तो रह गया। अरे ऐसे ना, कैसे ना, होगा? ऐसा क्यों बोल रहा है? काम सही ढंग से करेंगे। बस उसके बाद हम ये पुल क्रॉस करके पहुंच जाएंगे सीधे खंडर के बीच में। पैसा ही पैसा। तो फिर समझो ये बैंक तो लुट गया और क्या। डाके वाले दिन, दोपहर 1:30। सुन भांजे। बोलो मामा। एक सरदारों की टोली आई है, धमाल मचाएंगे। धमाल मचाएंगे तो चलो फिर मिलकर खुशियां मनाते हैं। सरदारों का दिल खुश कर दे, मोटी रकम मिलेगी। एक जुगनी, दो जुगनी, तीन जुगनी, चार जुगनी, मुझे तेरे संग हो गया है प्यार जुगनी। एक जुगनी, दो जुगनी, तीन जुगनी। लगता है चमन लाल के घर में पोता हुआ है, ये तो खुशी की बात है। अमृत। हाँ जी मैडम। 2 कप चाय ला दे। अभी लाया मैडम। ये बाहर गाने बजाने की आवाज कैसे आ रही है? वो बाहर नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है ना मैडम। सुन राजी। हाँ? चल के देखते हैं। चल चल। अरे जस्सी तू भी आ जा। हाँ, आजा, आजा। हाँ, आया आया चलो चलो। तुझे देख मुझ में दर्द दीवानगी, तेरे प्यार की मेरे लहू मेरा बांधगी। तुझे देख मुझ में दर्द दीवानगी, तेरे प्यार की मेरे लहू मेरा बांधगी। तेरी बातों से मैं हो गया निहाल जुगनी। एक जुगनी, दो जुगनी, तीन जुगनी, चार जुगनी, मुझे तेरे संग हो गया है प्यार जुगनी। एक जुगनी, दो जुगनी, तीन जुगनी, चार जुगनी, मुझे तेरे संग हो गया है प्यार जुगनी। लगता है चमन हलवाई के घर में पोता हुआ है। चलो शुक्र है, इतने सालों बाद भगवान ने उनकी सुन ली।
अरे ये चल क्यों नहीं रहा? अरे जल्दी चल मेरे बाप, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। चल यार, ऊपर वाले। अरे बा, ये तो चल पड़ा। अरे रुक रुक रुक, अरे 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 रुक, अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। ओए चाचा, चाचा पलट पलट, कौन है? इधर इधर चाचा, इधर चाचा। अरे त्रिपाल, त्रिपाल प्लास्टिक। अरे यार वो, अरे बिंद्रा तू जल्दी जाकर त्रिपाल लेकर आ। कैसा भुलक्कड़ है, कमाल है। सलमान खान, सुन राजश्री। अब क्या हुआ? जल्दी आ सलमान खान। सलमान खान, ये यहाँ क्या कर रहा है? चोरी। हेलो पुलिस स्टेशन, बैंक में डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? ए मुंशी। ये जनाब। अरे जल्दी चल, बैंक में डाका पड़ गया। चल। बैंक में डाका? मेरे रहते किसकी हिम्मत पड़ गई। चलो जल्दी चलो, कर जल्दी कर। हाँ जनाब, जल्दी करो। जल्दी करो, बैठो सब लोग। गाड़ी निकाल। हाँ जनाब, जनाब आगे रोलर है। अरे बाप रे, ये तो सामने ही खड़ा हो गया। अब किधर से निकलेंगे जनाब? अरे कौन है ये बेवकूफ, जल्दी साइकिल लेकर आओ। हाँ जी जी साहब, करो सब लोग साइकिल उठाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, अरे छोड़, अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे हटो सरदार जी, अरे इससे दरवाजा थोड़ी ना खुलेगा। अरे खोलो, अरे इसकी चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मैनेजर साहब अपने साथ लेके गए हैं।
बेनकाब सांप है देखिए। अरे चलना। उसको कहाँ पता है कि मैं थाने में मुंशी हूँ जी। क्या कर रहे हो तुम लोग हा? क्या करने के लिए बैठे हो इस तरह? साहब जी, इस मोहल्ले से मुझे किसी का फोन आया था, बोला कि यहाँ पे सांप निकला है, आकर के पकड़ लो। साहब मैं गुरदीप हूँ जी, हम लोगों ने कोई फोन वोन नहीं किया जी, यहाँ तो साफ है ही नहीं। आज सुबह से बीन बजा बजा के दिमाग खराब कर दिया जी, मना करने पे हम पे ही धौंस। इन सबको ले जाकर बंद कर दो और साइकिल लेकर आओ। चलो जनाब, हम लोग तो यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे। अरे जनाब, मुझे तो फोन आया था जी, हाँ जी। चमनलाल हलवाई के घर पोता हुआ है। हाँ। जी। राम राम साहब जी, ये सच कह रहा है, मैंने भी यही सुना था साहब जी। मेरे बाबूजी तो पोते का मुंह देखे बिना ऊपर चले गए। मेरे भाई को बच्चा कब हुआ? अरे भाई को नहीं, उसकी बीवी को हुआ होगा। चुप कर। अजा हटो हटो हटो, सब लोग हटो हटो हटो, जाओ जी जाओ अपने घर, जाओ जाओ। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बाप रे, बड़ा भारी है यार, किसी ने हमें देखा तो नहीं है ना? अरे चिंता की कोई बात नहीं, किसी ने नहीं देखा। चल। चाचा छूकर देखो, ये पैसा है। हाँ तो मैनेजर साहब, कितना पैसा चोरी हुआ है? मैनेजर साहब, कितने की चोरी हुई है? ये लो। हे उच्च पहाड़ों वाली, हे सच्चे ज्योता वाली माँ, मेरा हिस्सा 9 लाख से कम ना निकले, मैं नंगे पैर आकर सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। चाचा सोच समझ कर मन्नत मांगो, मुड़कर मेरी और बिंद्रा की आपको सूरत देखनी है। चाचा जब सारे पैसों का छत्तर चढ़ा दोगे तो डिस्पेंसरी खोलने के लिए का दोबारा डाका डालोगे? अरे यार कितने पैसे होंगे? अरे चाचा यहाँ पर रख दो यार, क्यों बीच बीच में हाथ डाल रहे हो? इतना पैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या हुआ? अरे कमाल करते हो मैनेजर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कितना पैसा चोरी हुआ है? भाई साहब 9 लाख रुपए। कितना? 9 लाख रुपए सर। अरे दिल थाम लो चाचा, 9 लाख की कितनी गड्डी हो गई दिखता नहीं है आपको? तुम 9 लाख में अटके हुए हो चाचा, यहाँ नोट गिन गिन के मेरा थूक खत्म हो गया। ऐसे कुल कितना होगा? अरे मैंने कितने गिन डाले,
अरे मैं फिर से भूल गया यार। अरे मुझसे नहीं होगा, ये सरदर्द का काम है यार। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 9 लाख में कितनी गड्डी होती है? खुद ही गड्डी देख लो। चुप करो यार, खामोश हो जाओ। सरपंच साहब, बैंक में डाका पड़ गया, सारा का सारा पैसा चोरी हो गया। मुझे ऐसी मनहूस खबरें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे हिसाब से होना हो, ये पूरा 9 करोड़ रुपया तो पक्का होना चाहिए। 16 का 16 करोड़ चोरी हो गया? गया। ना 9 लाख ना 9 करोड़, डाके की रकम है पूरी 16 करोड़। अरे इसका तो बदन ही ठंडा पड़ गया। चाचा, चाचा, सलमान खान। हाँ, नहीं तो क्या, जब सलमान खान था तो मैं सलमान खान ही कहूँगी ना। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। भाई मुंशी जी। जनाब, मैनेजर साहब का बयान ले लो। जी जनाब, मैं अंदर हूँ। जी, बैठिए मैनेजर साहब, लिखता हूँ आपका बयान। हाँ लेख भाई। हाँ जी। तो फिर डाके के दौरान आप कहाँ थे? लंच टाइम में मैं खाना खाने घर गया था। उस दिन बैंक के बाहर कुछ तमाशा चल रहा था, बस मैं 5 मिनट के लिए वहाँ रुका और फिर घर चला गया। मैनेजर साहब दिल फेंक और तमाशा पसंद आदमी है। मैनेजर साहब, आपके घर में रोटी तो भाभी जी बनाती होंगी ना? बिल्कुल। आए हाय, जालिम में मर जावा। यानी कि डाका पड़े चाहे चोरी, मिलने में ना हो कोई देरी, मैनेजर साहब को भाभी के हाथों की रोटियां खानी ही खानी है। भाभी जी की उम्र कितनी है जी? इस डाके से उनकी उम्र का क्या लेना देना? लेना देना है मैनेजर साहब। इससे ये पता लगता है कि भाभी जी सिर्फ रोटियां ही बनाती हैं या फिर लच्छेदार पराठे भी बनाती हैं। मतलब? है? मतलब मेरे साहब जी ये कहते हैं कि रिपोर्ट में A to Z लिखा करो। है? अरे सुन रहे, अरे नाक पिटारे में नहीं है। 35 साल। आए हाय, जाली में मर जावा। यानी कि भाभी जी अपनी उम्र के 35 बहारों को देखने के बाद रोटी तो भाभी जी इस तरह स्वादिष्ट बनाती हैं कि बंदा बिल्कुल ही खींचा चला आता है। हे, क्या है? वल्ला साहब, नाक पिटारे से बाहर निकल गया। अब इन पैसों को कहाँ रखें? वो यार कहते हैं कि जहाँ पर खजाना होता है ना, वहाँ सांप आ जाता है। यार यहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए। सांप का तो पता नहीं, पुलिस जरूर आ जाएगी। सबसे पहले हमें इन पैसों को छुपाना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये पुलिस स्टेशन है या बस अड्डा? देख लिया ना जनाब चोरों का कमाल, नहीं तो किसको पता था कि बैंक की छत पर चिमनी है। सुनो जनाब, ये जो बैंक है ना, सालों पहले लाला लाहौरी राम की कोठी थी। बैंक तो बहुत बाद में खुला यहाँ पे। तुमने क्या नाम बताया? लाला लाहौरी राम। लाला लाहौरी राम। ले भाई, ये बन गया शक का घेरा। यहाँ से होती है असली तहकीकात शुरू। और अब इस घेरे में लाहौरी राम को रख दे। वो मोटा रहा होगा इसलिए इसको लेते हैं। ये लो, एक घेरा और बना देते हैं जिसमें इसको रख देते हैं। उस लाहौरी राम को ढूंढ कर लाओ। साहब जी, अब उन्हें लाने के लिए यमदूत भेजना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है जी कि नरक से वही तो उन्हें ला सकते हैं। उन्हें मरे तो 30-35 साल हो गए। तुम्हें कैसे पता कि वो नरक में गया है? बंदा पूजा पाठ वाला भी हो सकता है। बहुत बड़ा सूद खोर था वो। अरे बस करो। अरे एक मिनट, अगर 9-10 लाख की सजा 2 साल की हुई तो 9 करोड़ के लिए कितनी सजा होगी? अरे बाप रे, तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। ऐसे तो मुझे पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। अरे चाचा, बाहर में भी तुम कौन सा शान से फिरते रहते हो? मेरे जले पर नमक मत छिड़क। मैं एक बार जो कह देता हूँ ना। अरे हाथ दिखाओ। एक मिनट, एक मिनट। अरे एक मिनट, हाथ दिखाओ। चोरों के संग चोरी, अरे जरा शर्म करो चाचा। ओए ओए, देख ये करतूत है तेरी चाचा, जरा सबर नहीं रख सकता था? मैंने सोचा था कि मैं
मूंछ और बाल काले करवा लूंगा। तेरी चाची को ऐसा बहुत अच्छा लगता था। वो बात सुन ले चाचा, मूंछ बाल काले करवाने के चक्कर में अपना मुंह मत काला करवा लियो, हम भी काले हो जाएंगे नहीं तो। वो मैं एक मिनट सुनो मेरी बात, जब तक ये चोरी का मसला हल नहीं हो जाता ना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बाहर जाकर तमाशा मत करना तुम। ये लो, हम बाहर जाकर तमाशा क्यों करेंगे? ओ ना ना, इसे राजी रखेंगे। सवाल ही नहीं उठता। तू अपना पूरा ख्याल रख, मैं जानता हूँ, अब मेरे साथ चलो। हाँ, आओ, चलो, चलो, आओ, चलो। सरपंच साहब, ये अरे अरे यार, साहब का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में है, चल वहीं चलते हैं। आजा बैठ। चलो चलो। सुनो भाई, तुम मेरे पक्ष में ही बोलना। टेंशन क्यों ले रहे हो आप हमसे अलग थोड़ी हैं। साहब की कोठी चलना है क्या? ओ नहीं ओए, गोल्फ क्लब। साहब यानी ऊंचे ख्याल रखकर नीच काम करने वाला एमएलए रतन सिंह। ओए मान जा यार, मेरा भी लंबा चौड़ा खर्चा है, चार पैसे मुझे भी कमा लेने दे सूरी। 4 करोड़ में प्लॉट खरीद कर 3 करोड़ में कौन देगा भाई साहब? तू शुक्र मना यार कि तुझे 3 मिल रहा है। वैसे जस्सी तो कह रहा था कबीर को कुछ भी नहीं देना, हालात को समझता क्यों नहीं यार? लाओ लाओ पेपर, इधर लाओ, चल साइन कर दे यार। नहीं भाई साहब, ये तो घाटे का सौदा है। सुन जस्सी। हाँ जी। इसे जरा कांटे पर तो ले। बस सूरी तू हिलना नहीं, देखते हैं शॉट कहां लगता है। धत तेरी, तू हिल गया यार। क्या सूरी, बॉल तक तो संभाल नहीं पाता, तो फिर अपने आप को कैसे संभालेगा? हाँ, आ जाओ। हाँ भाई सरपंच, गद्दारी किसने की? वो मैंने और पटवारी ने तो नहीं, पर मैनेजर पर शक कर सकते हैं। हाँ जी। एमएलए साहब, मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? सर, जमीन आपने बेची, सरपंच जी ने 16 करोड़ का सौदा करवाया, उसका पटवारी ने नकली पेपर बनाकर वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट से छुपाकर मेरे पास रख दिया। सही कहा ना सर, वो 16 करोड़ रुपए आपने बैंक में रखवाए छापे के डर से। ठीक है सर, मेरे बैंक में पहली बार चोरी हुई, वो भी दिन दहाड़े, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे आपसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलने थे वो भी गए। मुझे तुम लोगों की दलील नहीं सुननी, मुझे एक बात पता है कि तुम तीनों में से ही कोई गद्दार है। मैं तुम लोगों को 4 दिन का टाइम देता हूँ, मेरा पैसा लौटा देना। मैं क्या है, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम तीनों के हलक से निकाल लूंगा। सुन मैनेजर। हाँ हाँ सर। तुमने जो पुलिस में कंप्लेंट करवाई है उसमें कितना पैसा लिखवाया? जी 9 लाख। 9 लाख। पवन जी साहब, उस इलाके का थानेदार कौन है? साहब हरनीक सिंह है, जिसे आपने एक बार लाइन हाजिर करवाया था। अरे हाँ हाँ, वो साला बड़ी कुत्ती चीज है, मेरा कोई काम ही नहीं करता। चल उसे फोन तो लगा। थानेदार हरनीक सिंह। यस। एमएलए साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ भाई हरनीक सिंह, बड़ी चोरियां हो रही हैं आजकल तुम्हारे इलाके में। हाँ जी। ठीक है सुनो सर, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, ये कोई बाहर का मैटर नहीं है, मेरा हलका है मेरा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मैं भी कभी एक्सक्यूज नहीं देता एमएलए साहब। ये आपका हलका है तो मेरा भी इलाका है। लगता है मेरी बात समझ आ गई, मुझे रिजल्ट चाहिए जल्दी। भाई साहब हाँ? ये हादसा कब हो गया? अरे वो बैंक में डकैती हो गई, इसीलिए वो भीड़ लगी है। अच्छा अच्छा, तो क्या चोर मिल गया? लो, इतनी आसानी से चोर मिलता है क्या? अरे उसे जो करना था करके निकल गया, चल तू भी निकल ले। सुखशिंदर खुश था, बहुत खुश, हर पत्ता उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही खुल रहा था। क्यों, घर का काम पूरा नहीं करना है? मैंने 2 लाख का इंतजाम कर लिया है और जल्द से जल्द बाकी के पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद सीधे रजिस्ट्री करा लेंगे। तू बस अपनी तरफ से तैयार रहना, तुझे मैं बैंड बाजे के साथ ले जाऊंगा। इस तरह हवा में बात मत कर, तुझे पता नहीं मेरी मौसी ने मेरी शादी की बात कहीं और चला रखी है। अरे तेरी मौसी का भी रिश्ता हम कर देंगे पूरे बैंड बाजे के साथ, तू डरती क्यों है बलिए?
तू बस इस जट के नाम का हार पहनकर शॉल ओढ़ के बैठ जा। देख रही है, ये तो नकली है। नहीं माना, ये कंगन पीतल का है, लेकिन प्यार तेरा सोने का है। थोड़े दिन और रुक जा, ये जट तुझे सोने से तौल कर रख देगा। ले अपनी लाडली को। सीधे साधे स्वभाव का बंदा, लेकिन चोरी का धंधा। कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। बेचारा पुलिस को देखकर सांस रोके भाग रहा है। अरे एक बात सुन यार, थाने की दीवार गिर गई, बना देगा? दीवार गिर गई? हाँ। दीवार गिर गई थाने की, अरे तो बना दूंगा ना। चल चल आ जा, जा। और यहाँ डकैती केस की तहकीकात में थानेदार के शक की सुई किसी पर घूम चुकी है। ले भाई, अब शक के घेरे में मैनेजर को भी रख ही देते हैं। पर जनाब, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या है? बैंक की चिमनी से बैंक के खजाने तक पहुँच सकते हैं, और ये बात सिर्फ एक मिस्त्री जान सकता है साहब। और इस इलाके की सारी बड़ी इमारतें किसी राम मिस्त्री नाम के बंदे ने ही बनाई है साहब। अच्छा, क्या नाम बताया उसका? राम मिस्त्री साहब। ओ जमुरे। हाँ जी। अरे इधर आ। ओ तू भी मिस्त्री है? उस राम मिस्त्री के परिवार को जानता है? कौन कौन है उसके परिवार में? मुझे तो कुछ पता नहीं जी, मैं तो बाहर से आया हूँ। जनाब, इस रोड रोलर का मालिक एक लड़का है, वो भी यहाँ राज मिस्त्री का ही काम करता है। क्या बात कर रहे हो? ले भाई, घेरे में आ गया गुमनाम मिस्त्री। और जनाब, ये काम मुझे किसी बाहर वाले का नहीं लगता है, क्योंकि इस रोड रोलर को यहाँ पहुँचाना किसी महाजुगाड़ी की करतूत है साहब। इसमें यहीं के लोगों की मिली भगत लगती है साहब। ओ एक बात बता, अब तू हमें सिखाएगा कि किस वारदात को कैसे अंजाम दिया जाता है? तेरे पास तो बहुत बड़ा अकल का पिटारा है, हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ। क्या नाम लिया था तूने उसका? महाजुगाड़ी। लो जनाब, अब अपने शक के दायरे में महाजुगाड़ी है। इस बंदे को भी रख ही लेते हैं। ये रख लिया।
इसका दिमाग आज काम कर गया, वैसे इसका दिमाग कभी काम करता ही नहीं। पुलिस के शक की दिशा को इसने बदल दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू लाला लाहौरी राम को फिर से शक के घेरे में लेके आ गया, उसे हम नरक से लेकर आएंगे क्या? जनाब लाहौरी राम तो ठीक है, लेकिन ये अनजान शख्स को किसने शक के दायरे में लाकर रख दिया? पता नहीं, इस गांव का तो लगता नहीं है मुझे। दिखा जरा। जनाब मुझे तो ये चीनी एजेंट लगता है, ये देखो इसकी नाक चपटी है। पंजाब पुलिस हर तरह से परेशान थी, गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही थी। जनाब एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ बोलो। पुलिस की तहकीकात में एक बात सामने आई है। वो क्या? कि इस चोरी में अपने लोगों का हाथ है। अपनों ने की है? थाने का मुंशी, एमएलए का खबरी, उसे कोई जुगाड़ू मिस्त्री चला सकता है और कोई नहीं चला सकता। वो तेरा जो केस फंसा है? हाँ जी। एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया जनाब। जाओ। वाय बिंद्रा, इस तरह कब तक जिएंगे यार? बिंद्रा, जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात मेरी इज्जत पे आ गई है, गले तक कर्जे में डूब चुका हूँ, क्या करूँ? 4 लाख देने है सरपंच को। शराब चाहे जितनी भी पी ली जाए, जब चढ़ती है सारी सच्चाई बाहर, लेकिन यार के कंधों के सहारे जीने वालों को ये कभी नहीं चढ़ती। कंधा कमजोर नहीं है? अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा? नीचे रख और जा यहाँ से। बात सुन रहा है? और तो फिकर ना कर, इस बिंद्रा भाई के पास माया ही माया है। आज तेरा ये बिंद्रा भाई मालदार है भाई। बुजुर्गों ने पहले ही कहा है कि दारू पी के बैठना नहीं चाहिए, वरना इज्जत सड़क पे नीलाम हो जाती है बिंद्रा। अरे मानना यार, आज मेरी इतनी हैसियत है कि अगर तेरा ये बिंद्रा भाई चाहे ना तो आधा गांव खड़े खड़े खरीद सकता है कड़क नोट फेंक के। कुछ दिन बाद तेरे भाई को देखना, तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। 4 लाख रुपए ले जाके सरपंच के मुंह पे मार देना तू, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? उसके बाद तू कभी नशा नहीं करेगा, और अगर किसी को बताया ना तो तेरा ये नाक चपटा कर दूंगा मैं ऐसे। कर दूंगा। मेरा नाक चपटा करेगा तो खून निकलेगा, दारू नहीं। यार ओ टोपी बाज, अरे घर से बाहर निकल, यार निकल बाहर, निकल निकल। आगे देखिए जनरल पठान तेरे दरवाजे पे खड़ा है। ए, क्या बात है? शराब पीकर तू आधी रात को क्यों उधम मचा रहा है? ये शराब अपने पैसे की पी है, तेरे पैसों की नहीं। अरे कोई लेकर जाओ शराबे को यहाँ से, फिर सुबह सवेरे तेरे घर वाले यहाँ आएंगे माफी मांगने। अरे वो दिन गए जब तेरे सामने झुकते थे, अब तो मेरी भी तूती बोलेगी गांव में। एक बात सुन, ये खींच दी मैंने, अब दम है तो लकीर पार करके दिखा, मैं तेरी टांगे काट दूंगा। अरे कोई ले जाओ इसे यहाँ से, बेकार दिमाग खराब कर रहा है। अरे मेरा भाई बिंदर बहुत पैसे वाला है। क्या कहा, क्या कहा, कौन? बिंद्रा सेठ। और बिंदर भाई के पास इतना पैसा है कि आधा गांव खरीद सकता है वो। बिंद्रा सेठ? हाँ, ये 4 ईंटे के मकान में रह के तो इतना चौड़ा हो रहा है, वो तेरे जैसे 10 मकान खरीद सकता है। अब तू अंदर जा, यहाँ मत रुक। ओ बिंदर भाई, तू 1000 साल जिए, आज तूने जनरल को सरपंच की औकात दिखाने का मौका दे दिया। बिंदर कौन है भाई? वो कोई हो ना हो, लेकिन रेस के मैदान में उतर गया। हा? कभी मैकेनिक बन जाता है, कभी ड्राइवर बन जाता है। चल रहने दे यार, बस हो गया ना तेरा। ओ जस्सी। हाँ जी भाई साहब। जरा नजर रख बिंदर पर। ठीक है भाई साहब। तुझे खाना है तो खा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। पहले मुझे ये बता कि वो मानी या नहीं मानी। टस से मस नहीं हो रही है, पर कोई बात नहीं, वो मान जाएगी। आप खाना खाइए।
एक तो बैंक के डाके ने मेरी भूख छीन ली है, ऊपर से इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मुझे तो बस एक ही बात सूझ रही है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं मनदीप, मुझे भूख नहीं है। तू लाली को खिला दे, वो भी तो कल से खाना नहीं खाई है। मैं शिंदर के बगैर जी नहीं सकती भाभी। मैं समझती हूँ लाली, पर तेरी खुशियों के लिए लड़ते लड़ते कहीं मेरी खुशियों में ना आग लग जाए। अब तक आई नहीं यार। लाली वो अब नहीं आएगी। मोहब्बत में यादें भुला नहीं सकते, मोहब्बत में मुश्किल बयान नहीं करते। मोहब्बत ने मजनू को बागी बनाया, मोहब्बत ने रांझे को जोगी बनाया। मोहब्बत में लुटते रहे हैं दीवाने, जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने। लाली को तू भूल जा शिंदर, ये लड़का विदेश से आया है, उसके साथ शादी करके उसे विदेश लेके जाएगा। मैं अपने औकात में आ गया ना तो खुशियों के घर को मातम का शमशान बना दूंगा। तूने मुझसे जो वादा किया था उसके मुताबिक मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता हूँ, तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने उठा ले जा सकता हूँ। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुझे क्या हासिल हो जाएगा? तेरे एक दो दोस्तों के सिवा तेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। तू जानता है ये लड़का कनाडा से आकर मेरी बहन के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? क्योंकि मेरी एक हैसियत है, संसार में मेरी एक इज्जत है। तेरे पीछे तो कुत्ते भी नहीं भौंकते। तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ी रुतबे की खाई है। अब तेरी दाल नहीं गलेगी शिंदर। दाल भी गलेगी और उसे अपना भी बनाऊंगा। शिंदर तेरी जीत तभी हो सकती है जब लाली तेरे पक्ष में होगी। ये रिश्ता लाली की मर्जी के बाद हो रहा है। दिल को लगे रोग प्यार का कभी न दिल को लगे, वो तिल तिल जलाए रात भर, तिल तिल जलाए रात भर। प्यार किया तो हमेशा निभाना, प्यार किया तो हमेशा निभाना, वरना यार प्यार ना कर, वरना यार प्यार।
बाद सारा जहां भुला के आए तेरी याद है, तेरी यादें तुझसे प्यारी है, तेरी यादें तुझसे प्यारी, जिन्होंने न छोड़ा मेरा साथ, जिन्होंने न छोड़ा मेरा साथ। दिल में है चेहरा तेरा, कैसे कोई तुझको भुलाए, सजी है हाथ में मेहंदी जो मुझको और रुलाए, जो मेरा प्यार है सच्चा तो मैं तुझको पाऊं, ये मेरे हाथों के कंगना तेरा ही ना। रोग प्यार का कभी न दिल को लगे, रोग प्यार का कभी न दिल को लगे, तिल तिल जलाए रात भर, तिल तिल जलाए रात भर। एक तरफ लाली की शादी का दिन करीब आ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस की तहकीकात की सरगर्मियां तेज हो रही थी। धीरे धीरे सुराग मिलने लगे। फिर पुलिस की नजर में आ गया बिंदर। क्या नाम है ट्रैक्टर वाले का? बिंद्रा। बिंद्रा घर पे है क्या? नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है, वो तो कल ही पटियाला गए हैं। पटियाला? दवाई चल रही है ना उनकी वहाँ पर, तो इसीलिए। जब वो आए ना तो थाने भेज देना उसे। अच्छा बेटा, कहाँ पढ़ते हो? सर्दियों में छत पे और गर्मियों में छत के नीचे। तू तो अपने बाप का भी बाप लगता है बेटा। जाने दे, चल भाई। भले ही ये हर किसी से नजरें चुराए, फिर भी चारों तरफ नजरें लगी हुई हैं, इस पर और बिंदर पर। लाली, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। तूने कहा था ना, हम यहाँ ड्राइंग रूम बनाएंगे और वहाँ पर किचन और बाहर वहाँ बैडमिंटन का नेट लगाएंगे। सारे सपने टूट गए, अब ये घर वैसा नहीं बनेगा। इस घर को ये चट अपने हिसाब से बनाएगा। घर हमारा भी बिखर जाएगा। मेरे भाभी और भैया दोनों मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, और वो भी दुनिया के डर से। और कुछ? फिर मैंने सोचा, डर कर उम्र काटी जा सकती है लेकिन जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, और मैं जीना चाहती हूँ शिंदर। जीना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर तेरे जैसा नहीं। बस तू मेरे साथ में खड़ी रह, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अरे हाँ, किसी तरह ठोक ठाक कर अपनी पुरानी मशीन ठीक कर लूंगा, उसी से सारा प्लान करूंगा। और नहीं तो क्या, वैसे दो चार बच्चे पैदा करने हैं जो तुम्हारे साथ घर में आराम से खेला करेंगे, और मैं पैसे कमाने के लिए निकल जाऊंगा। और क्या, घर तो बना कर रहूंगा अपना। वो लगता है यार कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ना पड़ेगा। सारे गांव वालों की नजर हम पर ही है, आज नहीं तो कल हो सकता फंस जाए, बस इसी बात का डर है। अरे नहीं यार, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो क्या ठीक हो जाएगा यार, पुलिस तो कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है। अरे बिंदर, तेरा भी नाम पुलिस वालों की निगाह में चढ़ गया है। मैं तो अपना बट्टा और तेरा नींबू नहर के बीचों बीच फेंक कर आ गया हूँ। अरे कौन सा बट्टा कौन सा नींबू चाचा, वो तू नहीं समझेगा, जाने दे। ओ बैठे तीनों, क्या
भाई जी यही है। जस्सी, ये लोग जानते हैं तुम लोग मेरे लिए काम करते हो, ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते? ओ भाई, जब दो से आने किसी एक से बात कर रहे हो तो बॉस भी वही होगा ना। बॉस जी चलिए जरा सैर करके आते हैं। आओ। हाँ जी, अब बता छोरे, क्या चाहिए तुझे, पैसा या जिंदगी? पैसा तो पहले मेरे साथ आ गया जी, अब जिंदगी का क्या है, वो तो रब के हाथों में है। मेरा जो होगा वो होगा, आपका क्या होगा एमएलए साहब? खून तेरा तो बहुत गर्म है, हैं? मौत से डर नहीं लगता? एक बात सुन, किसी पे कोई गोली नहीं चलेगी और मिस्त्री तो अपने आप ही मर जाएगा। उन दोनों के पास कुछ नहीं है एमएलए साहब, क्योंकि पैसा मैंने छुपाया है। अगर मैं मर गया तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा, अगर तुम उन लोगों को मारोगे तो तुम्हारा जीना भी दुश्वार हो जाएगा। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुझे एक दिन देता हूं। सत श्री अकाल। जी। हाँ जी, तीनों को यहीं ठोक देता, झंझट ही खत्म। गोली चलाना तो मुझे भी आता है, एक बार अपना पैसा मिल जाए फिर गोली ठोकने का काम कर लेना। क्यों पवन जी, पैसा मिल जाएगा ना? पैसा तो जरूर मिल जाएगा, आपका पैसा तो बड़ी बड़ी हैसियत वाले नहीं खा सकते हैं साहब। ये पैसा वापस आ जाए तो हम लोग इस बात को रफा दफा कर देंगे, एक गरीब मजबूर को मार के हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा पवन जी, 35 साल हो गए आपको, आप पिए के पिए ही रह गए। चलो जाओ, जाकर शाम का बंदोबस्त करो, चल जस्सी। जी भाई जी। सुन प्यारे, भागते भागते पैर जवाब देने लगे और जान गले में अटकी है। थोड़ी तकलीफ और चाचा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक एमएलए को उसका पैसा नहीं मिल जाता ना, वो हम तीनों में से किसी की जान नहीं ले सकता। बंदा हूँ जिसने ग्रामीण बैंक में चोरी की है। कल सुबह 9 बजे पूरे गांव वालों के सामने थाने जाकर अपना गुनाह कबूल करने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे पर मुझे रोका नहीं जा सकता। चट जेम्स बॉन्ड। ये क्या हो रहा है? वो जट जेम्स बॉन्ड अपनी जेम्स चाल दिखा गया? वहां सारे प्रेस वाले भी होंगे, साथ में पूरा गांव इकट्ठा होगा। अगर वो पैसे वहां जमा करवा देगा तो क्या वो पैसे मैं सरकारी खजाने से निकालूंगा? ए जस्सी, तू अपनी पूरी फौज लेकर जा, भले ही पूरी धरती हिल जाए, वो सुखशिंदर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचेगा भाई जी, चलो ए, जीप निकाल के सारे बंदों को इकट्ठा कर।
हट्टे कट्टे हो फिर भी खाले दिमाग। फरिश्ते भी जमीन पर आ जाए तब भी इस जेम्स बॉन्ड को रोक नहीं सकते। पकड़ा नहीं गया ना? साले के पैर में गोली मारकर घसीट कर लेकर आओ। जान मत लेना। उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। उन्हें मैं अपने हाथों से बंद करूंगा। ठीक है भाई जी। अरे आशिक की औलाद, कर ले अपनी माशुका को याद, रब को तो तू याद करेगा नहीं। वो बंदा ही क्या जिसने जिंदगी में इश्क ना किया हो, और वो इश्क ही क्या जिसने कुर्बानी ना दिया हो। अच्छा तू एक काम कर। ये पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा। जेट जेम्स बॉन्ड। अरे जाकर अपना काम करो ना। ये देख यार। क्या लगता है तुम्हें, वो आएगा? वो आने वाला नहीं है जनाब, लगता है किसी फोटो स्टेट वाले ने मजाक किया है। वो आएगा, जरूर आएगा। हैं? यहाँ तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, इतने लोग कहाँ से आ गए? मर्द तो मर्द, औरतें भी कितनी आ गई हैं। तुम लोग थाने की छत तोड़ोगे? जट ने जुबान दी है, वो नहीं चुकेगा। जट जेम्स बॉन्ड। वो तो बाद में आएगा, पहले तू ही आ जा। क्यों, मुझे अपनी हड्डी तोड़वानी है? तुझे तो मैं इतना तोड़ूंगा कि किसी के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं रहेगा। बड़ा आया जेम्स बॉन्ड का। ए, चलो हटो। चलो चलो उतरो। ओए तू भी चला जा, अब तेरे वास्ते बैंड बाजा मंगवाऊं क्या? जा इधर से। क्या देखता है साहब? हाँ। बाहर प्रेस वाले पहुंच गए हैं और पूरे गांव वाले भी इकट्ठे हैं। हाँ।
जेम्स बॉन्ड है, तू तो आया ही नहीं यहाँ। यहाँ थाने पर पूरा गांव तेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चल आराम से आ जा। ओके ओके बाय। सर जट जेम्स बॉन्ड नहीं आया क्या? भाई उसका ही फोन था, कहता है मुझे खांसी हो गई, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गया हूँ। मैंने कहा चल जाके ले आ, पर आप लोग ऐसा करो अपने अपने घर जाओ, अगर जेम्स बॉन्ड आ गया तो मैं गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करवा दूंगा, आप लोग फिर आ जाना। जो भीड़ मुझे यहाँ देखने के लिए इकट्ठा हुई है, तुम उन्हें यहाँ से मुझे देखने से पहले क्यों भगा रहे हो? ओए, अरेस्ट कर लो इसको। अरे शिंदर तेरी अकल घास चरने गई है क्या? क्या ये आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार था, इसका नाम है सुखशिंदर सिंह उर्फ जट जेम्स बॉन्ड। ग्रामीण बैंक में जो चोरी हुई है इसका इल्जाम इसने अपने सिर पर लिया है, कल इसकी कोर्ट में पेशी होगी। तुम लोगों के अंदर अब मर्दानगी नहीं रही क्या? जस्सी तेरे लोग अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, जाओ हवेली जाकर दंड बैठक लगा। पवन जी, मुंशी से पूछो कितने बजे से कितने बजे तक इंस्पेक्टर थाने में नहीं रहता। ठीक है साहब। क्यों रे मुंशी, तेरा फोन बड़ा बज रहा है आजकल। जनाब बस ऐसे ही आ गया, आपको पता है बीबियां कैसे तंग करती हैं। हेलो, अच्छा क्या आज भी साग बना लिया? अरे भाई जिस दिन तुम हरे पत्ते का साग नहीं बनाती ना, उस दिन मेरी जेब में भी हरी हरी पत्तियां नहीं आती हैं। है? अरे कभी कभी गोभी शोभी भी बना लिया करो, मैं बिजी हूँ यहाँ थाने में, तुमको पता है ना जनाब के साथ कितना काम रहता है यहाँ। सॉरी जनाब, थानेदार साहब साथ में ही थे ना, इसलिए थोड़ा सा, आप तो समझते हो ना। हाँ जनाब बोलिए। ओ सुच्चा सिंह, ये तुम्हारा थानेदार कितने बजे तक थाने से बाहर रहता है? हा? हमारे थानेदार साहब भी ना हर रोज 1:05 पर लंच करने घर जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके निकलते ही फोन करना। ठीक है जी, उनके निकलते ही फोन करूंगा। ओके जी। हाँ, मैं भी घर आके ही रोटी खा लिया करूंगा, बहुत तंग करते हैं ना जी घर वालियाँ। गुरप्रीत चाय ले आ यार। जी सर। चाय ठंडी करके ले आना जनाब, को जाना होता है जल्दी। ठंडी कर दी है? चाय सर। जनाब चाय पी लीजिए। 1:10 हो गए जी। सत्रियाकाल जनाब। ये कौन सा वक्त है सत्रियाकाल कहने का? बस जी, आपकी इज्जत के लिए कर दिया जी। चलो। ये पेट अंदर और छाती बाहर ऐसे। जनाब राइफल से निकली हुई गोली और बेल्ट से निकला हुआ पेट मुड़ के अंदर नहीं आता जी। ओए। <laughs>
हाँ जी जनाब, आ जाओ जल्दी, मैदान खाली है। जय हिंद जनाब। आओ जनाब, अंदर ही आ जाओ। एक मिनट जनाब, ताला खोल देता हूँ। दरवाजा थोड़ा जाम है जी। आ जाओ वो राजी आपका शिकार। जय हो एमएलए साहब की। गोली यहां से घुसेगी और तेरे पीछे से निकलेगी। तेरी लाश कहां गई ये गांव वालों को भी पता नहीं चलेगा। तेरी शिनाख्त होगी डीएनए टेस्ट से। तब तक ये थाना भी बदल जाएगा और थानेदार भी। यहां का इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानता है कि यहां हुकूमत किसकी चलती है। ना कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी और ना ही कोई तहकीकात होगी। पीए साहब, टाइम क्या हुआ है जी? 1:20। ये वारदात अगर होनी थी एमएलए साहब तो सुबह 9 बजे ही हो जानी चाहिए थी। अब तक तो मेरे साथ क्या हुआ ये पूरे गांव में फैल गया है कि भाई एक ऊंचे ख्यालात का जट जेम्स बॉन्ड बैंक लूटने के बाद इकबाल ने जुर्म किया है। ऐसे में मुझे कुछ हुआ तो ये चर्चा हर किसी के जुबान पर होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के जरिए। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरा किस बंदे से पाला पड़ गया। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे सच में जेम्स बॉन्ड हो। लॉ का स्टूडेंट रहा हूं मैं। मेरे बापू के देहांत के बाद आगे की फीस नहीं भर पाया, मजबूरन बस का स्टेयरिंग पकड़ना पड़ा और आप लोगों की सरकार के सदके मुझे नौकरी मिलने से रही। पढ़ा लिखा हूं फिर भी मजबूरन मुझे ऐसा जीना पड़ रहा है। चलो छोड़ो, आप कहो गवर्नमेंट के साथ आपने कौन सी वफादारी की है? पवन जी, मैंने बताया था ना, ये लड़का बहुत सयाना है। एक बात बता, मैंने सुना है मैनेजर की बहन के साथ तेरा इश्क है। देख मेरा पैसा लौटा दे, उससे मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा। ये तो मैं पहले से ही जानता था जनाब कि आपकी सरकार गिरने वाली है। इतनी गिर चुकी है ये मुझे पता नहीं था। आपने तो हेरा फेरी का धंधा पहले से ही खोल के रखा है एमएलए साहब। ओ पवन, मैंने पहले ही कहा था ना, ये लड़का कुछ ज्यादा ही सयाना है। वो जरा इधर ला। बच्चे, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। अभी तक तो जिंदा है पर गोली खाने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। अब सांसें चल रही हैं तो सिर्फ तेरे जवाब के इंतजार में। अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। बच्चे, मैं तेरी एक फोटो खींच लूं? स्माइल प्लीज। थैंक यू जेम्स बॉन्ड। अपने साथी बिंदर से कह देना कल सुबह 9 बजे तक पैसे लेकर मेरे फार्म हाउस पर पहुंच जाए। पकड़ भाई, भाभी के लिए कुछ गहने वहने खरीद लेना। थैंक यू जनाब। जी अरे कहां रह गया तू? साहब दरवाजा खुला है, बंद करके आया जी। ओ सुच्चा सिंह, दरवाजा ठीक करवाओ यार, बहुत जाम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह पैसा मिलते ही उसका और उस मिस्त्री का फैसला कर देना। और क्या नाम है उसका, उस शूटर का जिसने अपना काम करवाया था? वही लाठी, कुरुक्षेत्र वाला। लाठी, कल कोर्ट में जट जेम्स बॉन्ड की पहली पेशी है। ऐसा ना हो कि जज मुझसे पहले उसका फैसला कर दे। लाठी से कहना निशाना साथ कर रखे, जब तक तुम्हारा फोन नहीं आ जाता कि उसने सारे पैसे तुम्हें दे दिए, मेरी बातचीत उससे चलती रहेगी। जैसे ही तुम डन करोगे
वैसे ही मैं रुमाल छोड़ दूंगा। ठीक उसी समय शूटर की गोली छूटेगी। ना एक पल इधर, ना एक भी पल उधर, ना छाती पर, ना दिल पर, यहां सीधा माथे पर। ले फोटो सेंड कर लाठी को, जहां से कहानी शुरू वहीं पर कहानी खत्म। ओ, ये सब करना जरूरी था क्या यार? मैं तैयार होकर ही निकला था। तेरा स्वेटर लेके आया हूं मैं, तेरा गंदा हो गया यार, इससे ठंड भी नहीं रुकने वाली है। लाना तो कुछ और चाहता था पर मैं ये ले आया। बिंदर तुझे पता है इस स्वेटर की बात ही कुछ और है। मेरी माँ मेरे लिए यह स्वेटर बना रही थी, ये पूरा नहीं हो सका। इसे बनाते बनाते वो ऊपर चली गई। मेरी माँ की दुआएं भी इसमें शामिल हैं। उसने कहा था कि जिंदगी में जब इम्तिहान का वक्त आएगा तब तो इसे पहन लेना, ऐसा लगेगा कि तू अपनी मां की गोद में बैठा है। ये तेरे कुछ और कपड़े भी हैं, ध्यान रखना यार अपना। एक काम करना बिंद्रा, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जाओ तैयारी करो। तो अपना ख्याल रखना यार। मोहब्बत में यादें भुला नहीं सकते, मोहब्बत में मुश्किल बयान नहीं करते। मोहब्बत ने मजनू को बागी बनाया, मोहब्बत ने रांझे को जोगी बनाया। मोहब्बत में लुटते रहे हैं दीवाने, जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने। ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने। मोहब्बत की बातें सभी को सताए, मोहब्बत की रहने कई घर उजाड़े। मोहब्बत में इज्जत सरेआम उछले, मोहब्बत ने वीरों के सर भी है कुचले। मोहब्बत के जज्बात ने सूली चढ़ाया, मोहब्बत ने राजा को गुलाम बनाया। मोहब्बत में ये दिल किसी की न माने, दिल को लगती है वो दिल ही जाने। ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने, ये जिस दिल को लगती है वो दिल ही जाने।
कोर्ट में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सर। भाई ये बेचारा ठहरा हमारे गांव का एक सीधा लड़का, भाई चढ़ती जवानी में छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं हर किसी से। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लड़के के साथ हर कीमत पर इंसाफ हो। चलो भाई। सर वन मोर क्वेश्चन। बस जी, नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू। चलो उधर जाओ। हाँ भाई पवन, पैसे मिल गए? पैसे मिल गए जी। ठीक है, सुखशिंदर ने बाजी कैसे पलटी? ये इंस्पेक्टर रात को घर खाना खाने जाता है तो फिर सारी जिंदगी पीए ही बन के रहना है, एमएलए नहीं बनना है। थैंक यू जनाब। पवन जी, अरे कहां रह गया तू? साहब दरवाजा खुला है, बंद करके आया जी। ठीक है, रात को 9 बजे। हाँ तो पवन जी, क्या सोचा है आपने? आगे बढ़ना है या पीए ही रहना है? क्या मतलब? मतलब तो साफ है, पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने ईमानदार हैं और एक बेईमान आदमी के साथ कब तक गुनाह ढोते रहोगे। मैं समझता हूँ शिंदर, जिस तरह की बातें तू कर रहा है ना, वो कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर करने में बहुत कठिन है। उसके लिए ना मेरे पास मौका है और ना ही पैसा। मौका तो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम इस काम को अंजाम दे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। गोली तो चलेगी ही, जो गोली मेरी मौत बनने की वजह है तुम्हारी जिंदगी बन जाए तो फिर बहुत हो चुका। अब 35 सालों से मैं उसका पीए बनकर उसके कुर्सी के नीचे वफादार कुत्ता बनकर बैठा रहा। बस आ गया मौका, किसको मौत देनी है? तुम अपनी जुबान पर कायम रहना, फिर देखते जाओ कि मौत किसकी होती है। ले फोटो सेंड कर लाठी को, जहां से कहानी शुरू वो उधर ही खत्म। पैसे मिल गए। जेम्स बॉन्ड ऐसा कर पाता या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जट जेम्स बॉन्ड ने यह कर दिखाया। और हाँ, तू ये मत समझना कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया। एमएलए बहुत सारी गलतियाँ की है तूने, लेकिन किसी मजलूम का खून चूसने की गलती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। सत श्री अकाल जी। स्माइल प्लीज। काम हो गया है, पैसे तैयार है ना? मेरा बंदा आपके दरवाजे पे खड़ा है। एमएलए साहब, सत श्री अकाल।
अब यहां खुलेगा जट जेम्स बॉन्ड का आखिरी पत्ता। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यह है मुजरिम सुखशिंदर उर्फ शिंदर और यह है 50 लाख रुपया जो हमने इससे बरामद किया है। माय लॉर्ड, इसने ये खुद एक मिनट, यहाँ तो लिखा है कि चोरी की रकम 9 लाख की है, बाकी के 41 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए सुखशिंदर सिंह? जज साहब, मैं बहुत गरीब घर का बंदा हूँ जनाब, मैं अपने जेब से भर के तो नहीं दे सकता था। जितना मैंने चोरी किया था वो मैंने लौटा दिया है, बाकी के 41 लाख रुपए बहुत इज्जतदार और रुतबे वाले बंदे यहीं पर तो बैठे हैं, आप इन्हीं से कुछ पूछ लीजिए, शायद इनके पास मुझसे ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो। जनाब, मुझे तो सरपंच जी ने मजबूर किया था जी। मैं बेकसूर हूँ मिलोट, मैं तो एमएलए रतन सिंह जी का मैनेजर साहब को सब कुछ मालूम है जी। मैं बेकसूर हूँ माई बाप, मेरा काम तो बैंक में पैसे जमा कराना है, वो मैं करा रहा था, अब मुझे क्या पता वो पैसे जायज हैं या नाजायज। डाके की कुल रकम 16 करोड़ थी लेकिन जज के सामने आई सिर्फ 50 लाख, लेकिन सच जो भी कहता वो और फंसता, इसीलिए इन तीनों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। लिहाजा चोरी की रकम और पुलिस द्वारा बरामद की गई रकम के बीच बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए अदालत हुक्म देती है कि गांव के पटवारी, सरपंच और बैंक मैनेजर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। रब की कसम है, पल भर के लिए रुक जाओ। फिर सबको हटाओ। जब तू लौट कर आएगा ना तो ये लाली तेरे प्यार के रंग में रंगी हुई होगी। इकबाल जुर्म को नजर रखते शिंदर को सिर्फ 6 महीने की सजा हुई, लेकिन पटवारी, सरपंच और बैंक मैनेजर को 5-5 साल की। अरे तू खेल क्या यार? अरे तू खेलना ही नहीं आता है? अरे तू बकवास कर रहा है? ओ शिंदर, तुझे साहब ने बुलाया, तेरी सजा माफ हो गई। चलता हूँ जनाब, बस आखिरी पासा चल रहा है, गेम अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है बेटा, यहाँ तो अब तेरी सरपंची चल रही है। बाहर तो तेरा जोर चल गया पर मैं यहाँ तेरा जोर नहीं चलने दूंगा, समझा? ले संभाल। अच्छा जी, तो फिर ये लो इनाम जीजा की तरफ से साले साहब। पुत्री, शादी में तो तुम नहीं आ सकते मैनेजर साहब, तुम एक काम करो, अपने दूसरे भांजे की पहली सालगिरह पर आ जाना, ठीक है जी? सत श्री अकाल। सालो नालायको, 1000-1000 के नोटों का हार और इतनी बड़ी गाड़ी, आपने डिस्पेंसरी नहीं खोली चाचा? ओ बिंदर, तू ही इसे बता। ओ तू डिस्पेंसरी खोलने की बात कर रहा? चाचा तो गांव के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। ओ तुम दोनों नंगे हो जाओगे सालो। अरे करोड़ों रुपए है, रख के क्या करूंगा, तू बोल। अरे बिंद्रा, इसका रंग रूप कैसे बदल गया यार? बिंदर, ये पहले जैसी तो नहीं लग रही है। कैसी लग रही है? तेरे इसी की जो रकम थी ना, वो हमने इसे पहले ही दे दी थी। मैं आया चाचा। मैंने तुझसे जो वादा किया था उसे साबित करने के लिए सीधे तूने मर्सिडीज खरीद ली। ये सब चीजें मेरे किस काम की जिनसे तेरा नाम ना जुड़ा हो? मेरा तो जेल से भी जुड़ा है, तू वहाँ पर आ जाती, वहाँ पर भी हम दोनों शेयर कर लेते। दोनों बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं ना। कम जोड़े ही ऐसे निकलते हैं चाचा, लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक मिस्त्री की तो पूंछ निकल जाती है। निकल चलो यहाँ से, जेल की चौकट पे खड़े रहना ठीक नहीं है।
रुक 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 रुक, क्यों भाई गाड़ी ठुक गई? हाँ भाई ठुक गई जी। अरे रोज सही टाइम पे निकल जाया करो, आजकल यहाँ पर लूट पाट बहुत हो रही है। वैसे गाड़ी खाली है ना? अंदर कैश है जी। कितना होगा? वही 10 पेटी होगा। सिर्फ 2 आदमी ले जा रहे हो? हाँ जी, 2 ही लोग बहुत है। निकल जाओ भाई निकल जाओ, टाइम सही नहीं चल रहा है, गलियों में बहुत से चोर घूम रहे हैं। दुनिया कहती दुनिया कहती दुनिया कहती रहती, झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है जीतना झटकी शान, झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है इस हाथ में सबकी कमान। सारी दुनिया ने देखा है प्यारा इसका नखरा है, प्यारा इसका नखरा है, इसे देख देख दिल धड़के है। James Bond, James Bond, James Bond, Jack James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, Jack James Bond, James Bond, James Bond। मैं चर्चा अखबारों का, शौकीन हथियारों का, बॉसों सरकार का, तेरे जैसा ना यहाँ कोई होगा। मैं फैशन सरदारों का, फैन हूँ कलाकारों का, यार हूँ मैं यारों का, तेरे जैसा ना यहाँ कोई होगा। देखी दुनिया ये सारी तूने ही है, बाजी मारी मुझे एक, तू ही तो है जचदा। झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है जीत ना झटकी शान, झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है इस हाथ में सबकी कमान। James Bond, James Bond, James Bond, Jack James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, Jack James Bond, James Bond, James Bond। मैं किससे नहीं डरता हूँ, जिससे चाहे लड़ जाऊँ, चैलेंज मैं करता हूँ, तेरे जैसा ना यहाँ कोई होगा। एक तू ही मेरा यार सच्चा पक्का दिलदार, तुझे से ही है मेरा वास्ता। झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है जीत ना झटकी शान, झटका ये जमाना है, झटका ये जमाना है इस हाथ में सबकी कमान। James Bond, James Bond, James Bond, Judge James Bond, 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 James Bond